कश्मीर की कली हूँ मैं, मुझसे ना रूठो बाबूजी, मुरझा गई तो फिर ना खिलूंगी, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। लव यू गाइज, दीपक फ्रॉम गोवा। नमस्कार भाभियों, एक बार फिर से मैं तुम लोगों का स्वागत करता हूँ BGMI के एक नए नवेले गेम प्ले में। और आज मैं खेल रहा हूँ लियोनी के साथ, गॉड के साथ और UK07 राइडर के साथ। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे एक टीममेट का नाम जोकर है। और BGMI वालों का मेरे को समझ में नहीं आता, एक अपडेट में काला करूठा जगह देता है तो एक अपडेट में गोरा चिट्टा। देखो ये जगह कितना गोरा है, क्या इसका गुप्तांग भी गोरा है, देखना पड़ेगा। और जैसा कि तुम मेरे आउटफिट देख सकते हो, 400 करोड़ रुपए का ये आउटफिट है, छोटी सी ब्लाउज है और एक स्कर्ट पहन के मैं आ गया हूँ यहाँ पे और बंदे मुझे दिख गए। नीचे ही था मैं, अंदर है क्या? यहाँ पे दो बंदे मैं मार देता हूँ, मेरे टीममेट थोड़े से मेरे को सुनाते हैं क्योंकि उनको लगा उनका किल है, लेकिन तुम लोगों ने देखा ना पूरा फायर तो मैंने किया था। खैर यहाँ अगले साइड मेरे को बंदे दिखते हैं, फिर पता चलता है कि ये जितने भी बंदे अंदर वो बाहर नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरे के सलवार उठा के भोजपुरी गाने में नाच रहे हैं। और तुम लोग तो मुझे जानते हो, मैं थोड़ा सा मूडी टाइप का आदमी हूँ, तो इनके पेटी में मैं देखता हूँ तो दारू, गांजा, गुटखा, तंबाकू हर एक चीज मेरे को मिल जाता है, तो ये सारी चीजें मैं उठा लेता हूँ। और यहाँ पर देखता हूँ तो कोई भी बंदे मुझे नहीं दिखते, फिर मैं सोचता हूँ कि अपने टीममेट की ले लूं। ए चुप्पे, हल्के से मैं इस कोने में आता हूँ तब देखता हूँ कि कोई आगे की तरफ बंदा है जिसने हमारे ऊपर डोरेमोन के गोटे फेंक के मारे हैं। और ये देखो क्या कमर लचक लिया, विक्टर जैक्सन यहाँ पर बन चुका है, छमक छल्लो। मेरे टीममेट मेरे ऊपर पैसा फेंक के नहीं मार रहे हैं, वरना मैं लेके भाग जाता, आज मैं करोड़ों कमा सकता था इस डांस की वजह से। खैर इधर की तरफ मैं अपने टीममेट के पास आ जाता हूँ क्योंकि मेरे टीममेट ने कहा कि वो कपड़े उतार रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके गोरे बदन को मैं थोड़ा सा ताड़ लूंगा। खैर ये सब बातें तो चलती रहेंगी दोस्तों, आगे की तरफ से मेरे को आती है फुट स्टेप। जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ मेरे को पता चलता है कि मेरे सामने कोई बंदा है जिसको दिख गया है घोंसला और वो रगड़ रहा है अपना भोर। मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकता हूँ लेकिन फिर पता चलता है कोई बंदा मेरे पीछे आ रहा है क्योंकि मैंने उर्फी जावेद के फोटो को लाइक नहीं किया था, तो इसीलिए उसके फैन मेरे पास आ रहे हैं। मेरे तन बदन पे बर्फ के गोले मलो। और ये चमगादड़ के पिछवाड़े जैसा शक्ल का बंदा मेरे ऊपर रस करता है, लेकिन मैं इसको मार देता हूँ। फिर मैं अपने M24 का थोड़ा हिलाने लगता हूँ क्योंकि मेरे M24 का थोड़ा सा मूड बन गया था। कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को। अब यहाँ पे मैं TPP लेने लगता हूँ, तभी मेरे को पता चलता है कि सामने वाली घर के छत से कोई लड़की मेरे जैसे गबरू जवान लड़के को देख के एकदम प्यार में पड़ गई है और वो मेरे को लाइन दे रही है। अब ये तो यहाँ से भाग गया, लेकिन इसको पकड़ पकड़ के मारूंगा, चिंता मत करो, जमीन पे ऐसे पीट के बाहर उसको पटकूंगा। ये रहा, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं। ये बंदा वहां से मेरे से भागा हुआ था, लेकिन मैंने इसको यहीं पे पकड़ के गुदगुदी कर दिया इसके कमर पे। और मेरा टीममेट कहता है कि नीचे हमारे दोनों टीममेट जाके मर चुके हैं, यानी कि दो दो रिकॉल वेस्ट कर चुके हैं, तो हम लोग सोचते हैं चलो फिर हम भी चलते हैं नीचे। तो मैं और मेरे टीममेट सीधा भागते हैं उनको रिकॉल करने के लिए। तो रिकॉल करने के लिए सीधा इस मैप में आते हैं, एक बड़ा सा छेद करते हैं, मेरा टीममेट उसमें घुसाने लगा था लेकिन मैं उसमें डुबकी मार के सीधा नीचे आ जाता हूं। उससे मेरा क्या फायदा? अब इन लोगों को फटाफट रिकॉल देके हम लोग लेते हैं अपने अपने गाड़ी और आते हैं सीधा यहां पे, क्योंकि यहां दिखते हैं अपने को बंदे। जो और मेरे को अब पता चला कि यहाँ पर अगर कोई बंदा चादर में रहता है तो उसको गोलियां नहीं लगती, और मेरे टीममेट को भी नहीं पता कि ऐसा कुछ होता है। खैर वो बंदे चले गए ऊपर, डैमेज वगैरह तो हो ही गए होंगे थोड़े वोड़े, तो हम भी कोशिश करते हैं कि चलो यार हम भी ऊपर चलते हैं। ये बैठा मैं चादर में और सीधा उड़ चला, परी हूं मैं बोलते हुए। और जैसे मैं यहां पे आता हूं, ये देखो अभी किसी की पेटी बनी है ना, ये उसी बंदे का है। अब मेरा टीममेट कहता है कि वो मर गया, लेकिन नीचे कोई फायरिंग किया ना। और ये मेरा टीममेट कैसा हंसता है रे, तेरे छोटे से पिछवाड़े को तेल में तल के बर्गर के बीच में दबा के बोट को खिलाऊंगा। ऐसा मत करो मेरी जान। खैर दोस्तों यहाँ पर अपने मिराडो को एक लड़की गाड़ी दिख जाती है। अकेला है तू? और इसको तो मैं कर देता हूँ ले देके नॉक। तभी पता चलता है कि सामने वाली घरों में आ चुके हैं तीन बंदे, अपना एक टीममेट वहाँ पे फंसा हुआ था, लेकिन मेरे पास एमो नहीं थी, तो जल्दी से मैं कहता हूँ कि भैया गाड़ी पीछे ले, मुझे लूट करनी है।
मेरा टीममेट जल्दी से गाड़ी को पीछे करता है, मुझे यहाँ पर रोकेगा क्योंकि यहाँ से मैं थोड़ी बहुत लूट इकट्ठा करूंगा। खैर उसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, इस गाड़ी को फोड़ता हूँ, ये बंदा मर जाता है और सामने वाले को मेरे टीममेट धर लेते हैं। मतलब कि मेरे लिए कोई नहीं बचता, 5 किल मेरे हो गए थे। मैं एकदम यहाँ पर लेट के छाती खुजा रहा था और यहाँ पे मुझे सामने की तरफ नाव दिखते हैं, तो लड़कियाँ जल्दी से जाके उस नाव में बैठ जाओ क्योंकि वो जा रही है ब्यूटी पार्लर। अब यहाँ पे ये हमारा लियोनी करेगा मेरे साथ स्कैम। मेरे साथ क्या, अपने पूरी स्क्वाड के साथ हो जाएगा स्कैम इसके चक्कर में, क्योंकि इस बंदे को दिख जाता है एक सूट वाला बंदा। कंटेंट के लालच में कहता है कि मेरे को मारने दो और यहाँ पे देखो वो बंदा मेरे को पूरा दिख रहा है, लेकिन फिर भी उसको नहीं मार रहा हूँ। और अभी होने वाला है हमारे साथ भयंकर वाली स्कैम। जिसने कहा था मुझे मारने दो वो मर गया, ठीक है। अब देखना मेरे साथ क्या होने वाला है। एक और बार देखो, यहाँ पे मैं इस बंदे को मार रहा हूँ, फिर पता चला कि वो गायब हो गया, फिर एकदम से मेरे को मार देता है। मतलब कि ये वो सर्वर इशू वो चल रहा है ना अभी, तो वही होता है मेरे साथ। और मेरे टीममेट मुझे इतना सुनाते हैं भाई, मैं बता नहीं सकता, वो चीज मैं यहाँ पे डाल नहीं सकता। कसम से बहुत गालियां देते हैं कि वो मर गया ऐसा वैसा। अबे यार तुम खुद देख लो, आंखें खोल के देखो, कान खोल के देखो, जहां चाहे वहां खोल के देखो, लेकिन देखो सही, मेरी गलती नहीं थी। और एक स्कैम मेरे साथ इस वाले मैच में भी होता है। होता क्या है, मैं अच्छे खासे किल करता हूँ, बहुत भयंकर फाइट होती है, लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं होता। तो मैं सोचता हूँ साला अब तो यहीं से रिकॉर्ड करूंगा और चढ़ जाता हूँ इस वाले टंकी पे, क्योंकि लास्ट सर्कल आ गया था और यहीं पे मेरे टीममेट मर गए, 2 स्क्वाड यहीं पे है। अब एकदम भयंकर वाला 9999999 वाला आईक्यू लगाता हूँ विक्टर के, यहीं पे आ जाता हूँ। तभी मुझे एक बंदा चिड़ियों के साथ आसमान में मुंह काला करवाता हुआ दिखता है। खतरनाक लोग हैं। अब ये बंदा तो यहाँ पर उतर जाता है, मेरे को लगा अब इसको मारने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा, लेकिन ये बंदा कुछ ज्यादा ही अच्छा था, मेरा केटी बढ़ाने के लिए खुद ब खुद सामने की तरफ आ जाता है। तुमको दिखा नहीं, दिखा होगा, देखो सामने से वो बंदा दौड़ते हुए आ रहा है मेरे पास। अरे उसी घर में झाकेगा, इधर काहे। अब इस बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ, इसके टीममेट को मैं इधर की तरफ देखने लगा, लेकिन इधर तो नहीं था। खैर मैं इसको पहले फिनिश कर देता हूँ। इसको फिनिश करने के बाद अब देखो जोन धीरे धीरे कटने वाला है, मतलब लड़कियों से भी ज्यादा काटने वाला है ये जोन। ये देखो एकदम से मेरे पास में आ गया, बस इतू सा बच गया हूँ मैं। और यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम तक रुक नहीं सकता क्योंकि मैं यहीं पे आके मैं फंस गया हूँ। सामने की तरफ देखो अभी कितने बंदे हैं, पूरे 3 बंदे हैं और तीनों के 3 बंदे अलग अलग स्क्वाड के बंदे हैं। तब तो और ज्यादा खतरा यहाँ पर हो गया है। तो मैं सोचता हूँ यार अब मुझे नीचे जाना चाहिए और नीचे जाके एक अच्छी जगह पे होल्ड करना चाहिए। और सबसे बड़ी चूक दोस्तों ये हो गई कि मेरे पास टेलीपोर्ट वाला कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, तो मुझे ऐसे ही करके जंप करना पड़ता है। ये देखो ये ट्रिक भी देख लो, ऐसे में तुमको डैमेज नहीं होने वाला कुछ इस तरीके से कूदोगे तो। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ अच्छा खासा स्मोक, ठीक है। अच्छा खासा क्या, 2 ही था, तो एक इधर फेंक देता हूँ, एक उधर फेंक देता हूँ। और मैं सोचता हूँ बढ़िया दारू वारू पी के एकदम से बंदों के ऊपर रस करेंगे। जल्दी से मैं लगाता हूँ यहाँ पर फटाफट ड्रिंक। और मेरे स्कर्ट के नीचे तुम लोग मत देखो, बहुत हौसी बंदे हो। खैर इस गेम प्ले को तुम लोग देखो, मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ। मुझे पता चलता है कि सामने है बंदे जो कि फायर कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। मेरे को लगा बंदा यहीं पे होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं था, मतलब कि रीच पे मैं ही था। बट यहाँ पे सीन ये था ना कि जोन दूसरे साइड हो गया था, अगर जोन मेरे ऊपर रहता तो मेरे जीतने के चांस बहुत ज्यादा थे। खैर अभी भी मेरे जीतने के चांस है ही। जल्दी से मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो अभी भी पता नहीं चल रहा है कि बंदा कहाँ है। जैसे ही मैं यहाँ पे आया ये देखो फायर हुआ। मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ और मेरे को दिखा एक बंदा, वो रहा देखो। अरे कवर है वो, उस पेड़ में जा। और जिस बात के लिए मैं जाना जाता हूँ बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि इस चीज में मैं बहुत ज्यादा प्रो हूँ, लास्ट के जोन में हमेशा मर ही जाता हूँ। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, यहाँ पे आके मुझे फॉलो कर लो, इसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। जल्दी से मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, वहाँ पे मुझे मैसेज वगैरह तुम कर सकते हो। मैं मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए ठोकते रहो।